हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे टोटल एग्जाम प्लस में। टोटल एग्जाम प्लस आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस लेकर आ रहा है। आज जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया टोटल एग्जाम प्लस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू और साथ ही साथ ही हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.totalexam.in, और इसका एक ऐप भी है जो कि आप गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चंस को मालूम करते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास द डिफॉल्ट हेडर फॉर अ वर्कशीट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें बात करूं, चलिए पहले तो पेंसिल ले लेते हैं, या तो द डिफॉल्ट हेडर फॉर अ वर्कशीट इज, देखिए, यूजर नेम डेट एंड टाइम, शीट टैब नेम नन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपली अगर बात करें वर्कशीट की बात कर रहा है, तो यूजर नेम डेट एंड टाइम सीट एंड टैब नन, इससे क्या मतलब है? तो यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 to M12 इज। स्टूडेंट देखिए, अब हम रेंज की बात कर रहे हैं। सेल मतलब होता है जो भी स्प्रेडशीट, जो हमारी वर्कशीट होती है उसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं उनको हम सेल बोलते हैं, और अगर हम उसे काउंट मतलब उसकी रेंज को काउंट अगर करें तो डॉट करके तो हो नहीं सकता, सेमी कॉलन भी नहीं, तो जाहिर सी बात ये माइनस करके भी नहीं, यानी कि जाहिर सी बात है उस डबल जो यानी कि रेशियो को जो साइन होता है स्टूडेंट्स वो साइन होता है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सी एब्सोल्युटली राइट है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज। तो स्टूडेंट्स देखिए, F2 जो होता है हमारे सेव के लिए, हम यानी कि अगर हम F2 अगर हम सेव से विंडो जो हमारे पास जो भी हम इसमें चेंजेस ला के लेकर आते हैं, तो F2 से हम बूट यानी सेव कर सकते हैं, या F4 से ऑल्ट F4 से क्लोज करते हैं। F8 हमारा सेव मोड के लिए होता है, यानी कि इसमें सिंपली हमारा जो आंसर आता है, आपको करना क्या होगा कि जो भी आपका चार्ट है उसको आपने सॉरी जो आपका टेबल है उसको आप सिलेक्ट करें, और चार्ट अगर आप क्रिएट करना हो तो आप F11 की प्रेस करते ही आपका एक चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो रो एंड कॉलम की बात कर रहा है, तो रो एंड कॉलम की मैंने अभी जस्ट अभी बताई थी, स्प्रेडशीट में हमारे पास जो ए से लेके अल्फा जो अल्फाबेट होते हैं वो कॉलम को शो करते हैं, और 1 2 3 जो काउंटिंग होती है वो हमारे रोज को करते हैं, तो यानी कि वो किस में होती है, स्प्रेडशीट में। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो स्प्रेडशीट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई डेसिमल प्लेसेस करेंसी सिंबल बोथ एंड ए एंड बी नन ऑफ अबव, यानी कि हम जो भी करेंसी का सिंबल होगा तो स्टूडेंट डेसिमल भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ए एंड बी, यानी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटर्ड बाय द फंक्शन इक्वल टू टूडे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस क्लोजिंग और ओपनिंग होता है यूज, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। स्टूडेंट्स यानी कि अब सिंपली जब पहले ही वैसे तो आंसर हमारा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग द टू सिस्टम क्लॉक सिस्टम, तो हमें यहाँ पे देखिए टुडे लिखा हुआ है, यानी कि जो भी डेट होगी वो ही इसको शो करेगा, यानी कि टाइम को लेकर यहाँ पे नहीं है, टुडेज डेट एज टैक्स फॉर्मेट नो ऑल ऑफ दिस नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है, यानी कि जो हमारे पास जो ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि जब हम ये फंक्शन लगाते हैं टुडे का, जो भी आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो डेट जो जो आपका डेट होगी वो शो होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल। स्टूडेंट देखिए, करंट टाइम निकालना है, और टुडे मैंने बताया था बाय सिस्टम जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है वही शो करता है, और नाउ यानी जो आपका टाइम है, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें
और टाइम नहीं लगता स्टूडेंट्स, टाइम और करंट टाइम ये भी नहीं है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो नाउ नाउ मतलब अभी जो करंट टाइम चाहिए, अब वो टाइम बोला कौन सा टाइम, करंट टाइम है ना, तो यानी नाउ जो से फंक्शन लगता है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बी हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो आपको वीडियो जो मिल रही है कंप्यूटर से रिलेटेड आपको डे बाय डे मिलती रहेगी, और इसका भरपूर आप आनंद ले सकते हैं, और आप काफी कुछ चीज सीख सकते हैं, और आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम बाय। इसमें देखिए जो जो हमारे पास कॉलम होता है वहां पे हमें ऑटो फिट करना होता है। अब वो देखो क्या कह रहा है, डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम ऑन कॉलम हेडर। तो स्टूडेंट्स यानी कि हमारे पास जो ये आंसर है ये तो हो नहीं सकता, डबल क्लिक ऑन द सेल पॉइंटर इन वर्कशीट नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक्टिव सेल है हमारे पास। डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। इसमें देखिए जो अल्फाबेट में जो भी हमारे पास जो राइट यानी कि लेफ्ट, तो वहां पे साइड होती है लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट से तो यूज नहीं होता, राइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी उसका साइज होगा, जो भी टेक्स्ट आपने टाइप कर रखा होगा वो एग्जैक्ट उसकी उसी की विड्थ में वो मेजर कर लेगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है सी, और नीचे लिखा हुआ लेफ्ट क्लिकिंग, तो मैंने बताया था कि लेफ्ट क्लिकिंग नहीं होता, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट कॉलम एड्रेस ऑफ अ एक्सेल सीट। स्टूडेंट देखिए जो लास्ट एक्सेल सीट का जो कॉलम नंबर होता है वो होता है XFD, और इसको अगर आपको मालूम करना होगा तो क्या करेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो की जब आप प्रेस करते हैं तो आपको जो रो है वो शो करेगा, वो समथिंग 10 लाख समथिंग है, और अगर आप कॉलम के बारे में देखना कॉलम जानना चाहें तो आप कंट्रोल और राइट जो एरो है उसको आप प्रेस कीजिएगा, तो आपको जो लास्ट कॉलम है वहां पे वो शो करेगा, और वो है हमारे पास बी यानी कि XFD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। देखिए लीनियर ग्रोथ ऑटो फिल टाइम। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे देखो क्या कहता है कि सीरीज की बात कर रहा है। अब वो सीरीज मैंने बताया था जो आप अगर उसको हम ड्रैग करते हैं तो पूरी सीरीज फिल हो जाती है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो सी आता है यानी कि ऑटो फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सिलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि जो भी पेस्ट करना है तो वैलिडेशन से भी हमारा जो कमांड वो पेस्ट हो जाता है, फॉर्मेट से भी, फॉर्मुलाज भी यहाँ पे देखो जब यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ पेस्ट हुआ था, यानी कि हम कहें तो यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हमारा जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिलीट कमांड ऑन सिलेक्टेड सेल्स टू डू। अब देखिए डिलीट कमांड ऑन सिलेक्टेड सेल, सेल मतलब जो भी एक्टिव सेल है उसको हम अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट द कंटेंट ऑफ अ सेल, डिलीट फॉर्मेट ऑफ सेल, डिलीट द कमेंट्स ऑफ सेल, या डिलीट सिलेक्टेड सेल। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो जो उसके अंदर जो कंटेंट है जो लिखे हुए हैं वो सेल तो डिलीट नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, जो उसमें कंटेंट है वो ही डिलीट होगा, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है फर्स्ट यानी कि ए, डिलीट द कंटेंट ऑफ आ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट अमंग दीज वर्जन ऑफ एक्सेल। स्टूडेंट 2021 का टाइम है, और अगर हम 2015 की बात करें तो यानी कि ये भी रॉन्ग है, 2002 ये भी रॉन्ग है, मिलेनियम यानी कि जिसको हम बोलते हैं 2000 यानी ये भी रॉन्ग है, जो हमारे पास लास्ट जो डी ऑप्शन है यानी कि एक्सेल 365 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, तो हमारा आंसर जो आता है डी एक्सेल 365। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन, देखिए कह रहा है कि एमएस एक्सेल किस बेस्ड है, विंडोज डॉस यूनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट देखिए विंडोज खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और डॉस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स एक खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यानी कि हम अगर बात करें तो एक्सेल जो है वो विंडोज बेस्ड है, तो यानी कि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक्सेल एक, और वो विंडो बेस्ड है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन द, जो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, करंट डिस्प्ले कर रहा है करंट सेल फॉर्मूला बार में, या स्टेटस बार में, नेम बॉक्स में, या टाइटल बार में। स्टूडेंट देखिए स्टेटस बार में तो स्टेटस शो करेगा, सिंपली सी बात है, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला, और टाइटल बार में जो आपने अपने फाइल जो सेव करी वो शो करेगा, यानी कि हमारे पास जो सेल का जो करंट सेल जो है डिस्प्ले जो करेगा वो है नेम बॉक्स, यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एरिया इज एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बार में ही होगा, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग, हो नहीं सकता, स्प्रेडशीट, नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, स्प्रेडशीट पैकेज होता है, यानी कि इसका आंसर जो है बी। कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर मैं बड़े स्पीड से करा रहा हूँ मैं, इसलिए कि स्टूडेंट देखते ही पता चल रहा है, तो यानी कि आगे अगर हम बात डिस्कस करें तो कोई फायदा नहीं क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज जरूर समझाऊंगा, बताऊंगा कि होता क्या चीज है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट करें, आपको उसके बारे में मैं जरूर समझाऊंगा और उस चीज को क्लियर जरूर करूंगा। और कंप्यूटर के जो भी डाउट्स हैं आपके पास, जो भी हैं, जो भी आपको दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करें और उसको लेकर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको समझाने की जो है पूरी कोशिश करूंगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आता है स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। देखिए स्टूडेंट्स, मैक्रो की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी होता है और सीधी सीधी बात है इसमें कोडिंग यूज होती है, तो वो कौन सी कोडिंग होती है? विजुअल बेसिक, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो विजुअल बेसिक करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी एक HLL है, LL है, यानी कि HLL मतलब हो गया हायर लेवल लैंग्वेज है, खुद की कोडिंग लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। विजुअल C++ की भी सेम यही कहानी है, जावा, जावा में भी खुद की कोडिंग होती है, तो यानी कहने का मतलब है कि जो एक्सेल में जो कोडिंग यूज हो रही है वो विजुअल बेसिक की हो रही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डाटा बाय सिंपली सिलेक्टिंग अ टूल बटन कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको सम की बात करें, अगर मैं बेसिक एक्सेल की बात करूं, तो अगर जिसको कोई सम टोटल निकालना हो तो ऑटो फिल तो भाई फिल करेगा, ऑटो करेक्ट करेक्ट करेगा, यानी कि हम अगर बात करें सीधे सीधा सम की बात, ऑटो सम ही टोटल उसका सम करता है, यानी कि हमारे पास जो आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन एमएक्स एक्सेल प्रेस। देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल सी कॉपी होता है, एरो मतलब सिलेक्ट करे, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेगा उसको सिलेक्ट, उसके वो भी स्लिप स्लिप सॉरी शिफ्ट के साथ करेगा वो, यानी इसका भी कोई यूज नहीं है, कंट्रोल एस सेव करता है, यानी कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है हमारे पास, क्योंकि कंट्रोल ए यूज होता है, नन ऑफ द अबव। तो हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ एमएस एक्सेल। तो स्टूडेंट देखिए, एमएस एक्सेल में कौन सा इसमें जो यूज नहीं होता, सेल यूज होता है, रो और कॉलम यूज होता है, डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट तो हमारे लिए एमएस वर्ड के लिए यूज होता है, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है डी, यानी कि डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्कशीट्स कैन अ वर्क बुक हैव। देखिए स्टूडेंट्स, अराउंड 265-266 होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे दोनों कोई भी नंबर नहीं दे रखा, तो यानी कि सिंपली यहाँ पे हमारे पास कोई भी आंसर नहीं, यानी नन ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एक्सेल वर्क बुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्क बुक, वर्क बुक तो है बोला है, वर्क बुक में क्या कलेक्शन चाहिए हमें? वर्कशीट की, चार्ट से हमें नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन होता है वो वर्कशीट का होता है, यानी कि बी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डू यू रीअरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्म टेबल ये सब टोटल, यानी नाम से पता चल रहा है, सॉर्टिंग सॉर्टिंग कर रहा है, यानी कि सिंपली बात है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास जो ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ एमएस एक्सेल। स्टूडेंट्स, अभी हम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज अ पावरफुल। स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट बताया है, आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए स्टूडेंट सोचिए। यस, आपके माइंड में आ गया होगा क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर आ गया होगा तो स्प्रेडशीट पैकेज। यस स्टूडेंट, तो हमारे पास जो बी है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज। डॉक्टर सिंबल, बिग प्लस। स्टूडेंट जो फिल सीरीज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, स्मॉल थिन प्लस एक आइकन आता है छोटा सा, क्योंकि जो बिग प्लस है वो सिलेक्ट के लिए यूज होता है, और तो यानी कि हमारे पास जो स्मॉल थिन प्लस आइकन है वो करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट अ वैलिड ऑफ फिल सीरीज। कह रहा है कि नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज के लिए वैलिड नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, लीनियर ग्रोथ, ऑटोफिल और टाइम अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट देखिए लीनियर में डाटा शो हो रहा है हमारे पास, वैलिड सीरीज है, ग्रोथ ऑटोफिल सब है, यानी कि हमारे पास जो एग्जैक्ट आता है वो आंसर आता है टाइम, नॉट अ वैलिड फॉर फिल सीरीज के लिए टाइम है, डी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट टू सम फंक्शन इन एक्सेल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ए1 बी1 करके भी यूज हो सकता है,
और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको रेशियो भी ले सकते हैं, रेशियो यहाँ पे गिवन है। यानी स्टूडेंट्स हम अगर बात करें ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 25? स्टूडेंट देखिए अब हम 25 का क्यूब रूट निकालना है, तो भाई वहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या होता है, यानी कि पहला तो करेक्ट नहीं, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर निकालेगा तो इस क्यूब से क्या मतलब है, यानी कि भी रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे जो डिवाइड यहाँ पे तो यानी ये भी सही नहीं है। डी हमारे पास जो जो सिंबल आता है ये कैरेट साइन आता है, और ये क्या निकालता है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालता है। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू कैन प्रिंट अ रेंज ऑफ सेल बाय रेंज नेम एन एंटायर वर्कशीट या सिंगल वर्कशीट या ऑल। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे भाई हमें जितना प्रिंट निकालना उतना सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास ये सारा का सारा जो करेक्ट आंसर है यानी कि ऑल पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड, सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक्टिव सेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी बाउंड्री आती है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो बी आता है, यानी कि एक्टिव। कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड, स्टूडेंट्स देखिए क्या बात कर रहा है, कमेंट पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। तो सिंपल सी बात है भाई, सेल जो कमेंट्स पुट कर रहा है तो सेल में, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा वो सेल ही होगा, यानी कि सेल हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड एक्सेसिंग, रिफ्रेशिंग, अपडेटिंग या फंक्शनिंग। स्टूडेंट देखिए रेफरेंस दे रहा है, जब दूसरे को शीट पे जा रहा है तो रेफरेंस ही देगा, यानी कि हमारे पास जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल कंट्रोल ए, यहाँ पे है ही नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, एरिया, लाइन, पाई, सारे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज काउंट फंक्शन डू, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि काउंट जो है फंक्शन है वो क्या काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे काउंट सेल हैविंग अल्फाबेट्स हैविंग नंबर, नो स्टूडेंट्स। काउंट नन एम्प्टी सेल, देखिए स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करेक्ट हमारे पास, क्योंकि सेल्स को काउंट करना नन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, यानी कि हमारे पास जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिपिकल वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम्स, किसकी बात कर रहा है वो, टिपिकल वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए स्टूडेंट्स कॉलम्स की बात कर रहा है, तो करीब करीब वो हमारे पास जो कॉलम आते हैं वो आते हैं 16384 लगभग। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो ए है, 256 मतलब नहीं, 512 नहीं, 1024 भी नहीं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वर्कशीट कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रोज होते हैं वो 10 लाख समथिंग होते हैं, यानी 10,48,576, यानी बी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने मालूम किए कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या फंडामेंटल हो, या साथ ही नेटवर्किंग के रिलेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें, वो भी सीख सकें कि हाँ जी भाई गवर्नमेंट जॉब के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपने एंजॉय किया होगा। लेता हूँ फिलहाल अलविदा, और लेकिन जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत तुरंत मिलती रहे, आप अपडेट होते रहे। बाय बाय दोस्तों।